हवाओं में कहीं। इतना अब हम आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे कष्ट करके यहाँ पे लाइव आए इतनी रात को, लेकिन आप लोग यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। पहाड़ों में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कौन करता है? ट्रक वाले, देख रहे हैं। इतना मतलब इनकी एक गलती भी है, इतना ज्यादा लोड करके लाना भी नहीं चाहिए ना, इतना वेट है भाई साहब, रेंग के जा रही है यहाँ पे बस ट्रक। देखिए यहाँ पे इसको, इसका तो मतलब ज्यादा वेट नहीं है, तो ये धीमे धीमे मतलब तेज चला जा रहा है। बाकी उसका तो आप देखेंगे इतना वेट किया कि लटक गई पूरी ट्रक ही। चले निकले, चले कहाँ से आए कहाँ से आए? बैगन। हम तो यही रहने वाले हैं, बताइए कहाँ जाना है आपको? बताएं क्या, जबरदस्ती पूछ रहे कहाँ जाना है? हम पूछेंगे, बताइए। चले निकलते हैं अब आगे की तरफ, देखते हैं आगे कैसे क्या माहौल है, कैसे रोड है। शकल तो दिख नहीं रही होगी, फिर भी चलिए अब दिख गई होगी। आओ बैठो। तो हमारे मनाली ट्रिप का पहला यहाँ पे टनल पड़ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका स्वागत करता है। पहला टनल, मनाली का पहला टनल हम लोग को मिल ही गया। अरे भाई हम लोग नया बना क्या, वे क्या मेंटेन कर रहे हैं? बहुत सही लग रहा है भाई टनल, पहली बार टनल पे नहीं, इससे पहले राजस्थान में टनल पे गया था, छोटा टनल था वो, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है ये। आप भी लोग हमारे मोबाइल के जरिए आप भी सब देख सकते हैं, मतलब हमारे जरिए आप देख रहे हैं टनल के मजे लीजिए। बहुत लोग यहाँ पे आ चुके होंगे, पर जो लोग नहीं आ पाए हैं वो लोग देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए। कैसा लग रहा है आप लोग को शुभम भैया? साइड वाले देख के चल रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ज्यादा। एक किलोमीटर से ऊपर था यार, बस चलिए टनल खत्म हो गया। इसके बाद ये भी हमको अगर बहुत ज्यादा टनल आएंगे यहाँ पर, क्यों ये भी खड़े घूमने की। तो हम लोग टनल नंबर 2 में घुस चुके हैं, ये टनल दूसरी टनल पे हम लोग ने एंट्री कर ली है। अब इसको देखते हैं ये कितने किलोमीटर की है, क्या लगता है कितने किलोमीटर की होगी? एक के ऊपर होगी, क्यों? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए उसको। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने किलोमीटर की है, अगर आप लोग मनाली आए होंगे अभी हमको, पर हो सकता है आप लोग जब आए हो ये नहीं रही होगी, कहीं और रोड से आप लोग गए होंगे। ये छोटी है, अच्छा बहुत छोटी है, हमको लग रहा आधा किलोमीटर की ही है, बस खत्म हो गई। पर एक चीज बढ़िया है यहाँ पे, रोडे काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है रोड। भाई कुछ चलाने के लिए रोडो का मजा लीजिए, कोई गाना ऐसा लगाओ मजा आ जाए फिर। गाने बजे मजा, सब आगे होके बैठ, गाना बजाओ। फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं भूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। आ गई अपन टनल नंबर 3, ये अपनी टनल 3 है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग घूमने निकले हैं, गाड़ी हम लोग ने यहाँ पे पार्क कर दी है, और देखेंगे तो शिमला यहाँ से ऊपर दिखा रहा है टिटू, ये देखिए यहाँ पे 82 दिखा रहा है कि 82 किलोमीटर यहाँ से दूर है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वॉक करने निकले हैं, देखते हैं यहाँ के थोड़े बहुत नज़ारे, और आप लोग भी देखिए। ठंडी कुछ खास नहीं है ना, क्यों एक कान बंद हो रहा है जैसे, वे कुछ एहसास हुआ? मेरा लगा कि कान थोड़ा बंद लग रहा है, कान थोड़ा बंद लगा वे। जरा देखो शिमला के वादियाँ, मतलब बगल में शिमला ऊपर है, बहुत तो बोलना दिखाए शिमला यहाँ से 82 किलोमीटर है। चलो भाई मना नहीं यार, फोटो ले अभी वहाँ देखो, उधर देखो ये नज़ारे देखिए, रात वाले दिन में नहीं दिखेंगे। हाँ वही तो है, जुगनू की तरह चमचमाती ना,
ये जानते हैं आप लोग, समझिए कि कैमरे में इतना अच्छा आप लोग को नहीं समझ में आएगा, पर अपनी आंखों से देखेंगे, नेचुरल देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अरे रेलिंग दिख गई। कोई भी यकीन नहीं मानेगा, अभी जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं ये एक पहाड़ पे रोड बनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आगरा एक्सप्रेस वे पे हम लोग चल रहे हैं, इतनी अच्छी रोड यहाँ पे बनी हुई है पहाड़ों पर। तो अपनी टनल नंबर ये चौथी है, तो मनाली की चौथी टनल पे हम लोग ने एंट्री यहाँ पे कर दी है। ये भी शायद काफी लंबी टनल है तो इसको ज्यादा लॉन्ग हम लोग यहाँ पे वीडियो नहीं करेंगे। बस वाला भी पीछे काफी स्पीड में आ रहा है, आपको जल्दी है यहाँ पे टनल में भी भगाओ। स्पीड लिमिट इसमें शायद 60 है, तो 60 ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं, रूल फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पर। चल रहे अटल टनल में और यहाँ देखिए आप कैसे हम कष्ट करके यहाँ पे पहुँच के हम लोग आए हैं, पहुँच गए हैं। और इतना आप, हम आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे कष्ट करके यहाँ पे लाइव आए इतनी रात को, लेकिन आप लोग यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और किसी को भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल करें। ओके बाय बाय टाटा, मिस यू गाइस, आगे मिलते हैं। टनल नंबर अपनी 5, देखो लिख के भी वहाँ पे आ रहा, देखो वेलकम, जल्दी आ जा जल्दी आ जा, वेलकम टू टनल 5। ये 5वीं टनल है अपनी, मनाली की 5वीं टनल। इतनी टनल भाई साहब, इतनी टनल कहीं आपने नहीं देखी होगी। शकुंतला आओ, भैया अपने मंडी के कुत्ते हैं हिमालय, हिमालय कुत्ते हैं, बड़े कमजोर है बेपर। एसी का वे नेचुरल भाई साहब, एकदम ऐसे नेचुरल, फ्रिज जैसे महकता है। हाँ ठंडा है यहाँ पे, ठंडी लग रही है। अभी तक तो रोड काफी अच्छी थी मंडी तक, बट मनाली साइड जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रोड की कंडीशन बहुत खराब है। मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं रोड पर कि यहाँ पे संभाल के ना चलाएं तो पता नहीं क्या हो जाए। पर जो ये पिकअप वाले होते हैं इन लोग को सब सारी चीजें पता होती है, तो ये लोग भागते चले जाते हैं। ये देखिए चीरते फाड़ते निकल जा रहे हैं। कहीं कहीं भी रोड ठीक है, कहीं कहीं भी एकदम बेकार रोड है, बिल्कुल बेकार। वो तो थार है थोड़ा अच्छी है इसलिए वजह से निकल जा रही है। और सबसे बढ़िया गाड़ी होती है लॉर्ड एल्टो, उसको कोई नहीं रोक पाता, कहीं भी चली जाती है। मनाली अभी अभी यहाँ से दूर है 102 किलोमीटर अभी यहाँ से। सोने लगा मनाली अब 102 किलोमीटर यहाँ से, और हमारे जो शुभम भाई हैं यहाँ पे स्लीपिंग मोड में चले गए हैं। बहुत तेज सोता है गुरु जी, तो इससे सो जा भी है, वो है देखिए तेज सोता है भाई साहब। और इतने हिलने डुलने पे जो सो सकता है यार, ये जब इंसान है यार, सो रहे हैं यार। नहीं तुम सो गए, शुभम हे शुभम अब बताओ, अब बोलो, अब क्या बोलने बताओ। नहीं टाइम टाइम देखो पहले क्या हो रहा है, तुम दोनों ने तो आपस में बात भी कर रहे हो, यहाँ तो केरे पीछे पड़े हैं यार, तुम ही बात में हो ना, तो कैसे बात कर रहे हैं भाई। मनाली में एक नए टनल के यहाँ पे निर्माण चल रहा है अभी, इसका मतलब खुदाई अधिकतर हो चुकी है थोड़ा बहुत, और बाकी शायद रात दिन यहाँ पे काम चल रहा है।
यहाँ पे देख सकते हैं। मैप देखिए, बगल में बिल्कुल हम लोग के एक यहाँ पे रिवर शायद या कुछ ताल है लेफ्ट लेने से। और यहाँ पे व्यास रिवर है और देखेंगे, और यहाँ देखेंगे आप लोग पहाड़ वहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर से एक टनल और आ गया, शीशे पे एक बार पानी ना अच्छे से मारूं। तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:26, हम लोग पहुंच चुके हैं मनाली के पास। 25 किलोमीटर और दूर है मनाली यहाँ से। देखें कि अपने अच्छे यहाँ पे एक रिवर है, शायद व्यास रिवर है ये, और ऊपर यहाँ देखिए बर्फबारी हुई है ऊपर। तो हम लोग का प्लान है शायद ऊपर जाएँ तो कुछ यहाँ पर बर्फ मिल जाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, मनाली की साइड। पार हो जाते हैं दौड़ के। चल बाबा चल, चल बाबा चल। ये रही अपनी धन्नो, बैठो। रात में थोड़ा हम लोग ने यहाँ पे स्टे कर लिया था, रुक गए थे गाड़ी में क्योंकि रात में यहाँ पे होटल मिल नहीं रहा था। तो अपना पीछे बेड है, ये बेड नहीं है, पीछे हमने बेड यहाँ है। अच्छा हुआ ये बेड था, यहाँ पे सो गए थे हम सब लोग। तीन ही लोग में ज़्यादा सो गया था यहाँ पर। बाकी यहाँ पर तो नज़ारा ही अच्छा है। नज़ारे देखने हैं तो पहाड़ में आइए। लहरा रहा है पुल, लहरा दो, लहरा दो। जगह दिखती नहीं कि दौड़ पड़ते हैं एडवेंचर करने के लिए। गाड़ी नहीं आ सकती तो पैदल ही दौड़ लेते हैं। क्यों भाई लोग, जहाँ गाड़ी नहीं वहाँ पैर जा रहा है, कहाँ उतरे भे तुम लोग। अरे यार अबे बहुत चिकना पत्थर है। नहीं अरे कूद जाए क्या, बहुत कैमरे में तो नहीं पता चल रहा है पर है यहाँ पे स्लीपर, स्लीप हो रहा है बहुत तगड़ा। अगर मैं गिरूंगा तो वीडियो में आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा अगर मैं गिर गया तो, और नहीं गिरा फिर भी कर दीजिएगा, श्रद्धा जिसकी जैसी श्रद्धा। अरे भैया इस चपक्लॉक्स में उतरना बहुत भैया वो लग रहा है जैसे डेंजर। ए राम 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 राम, राम 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 राम। अबे यहाँ जान रहे हो जब यहाँ मनाली में जब वो हुआ होगा, हम लोग को आवाज नहीं आ रही पर आप लोग जब मनाली में बाढ़ आई थी वो जब मतलब वो प्रलय हुआ था तो यहाँ पे देखेंगे तो पत्थर कितने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। ये पुल गया है ऊपर से, क्या व्यू है यार। इतना छोटा पुल है उसके बाद भी यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। देखिए पत्थर साइज देखो भाई, आप लोगों को कैमरे में नहीं पता चलेगा। चलाने फटती होगी ट्रेन वालों, क्यों भाई पहाड़ उड़ जाता है, पहाड़ उड़ पे हवा बहुत अलग तरीके से चलती है, लड़ लड़ के पहाड़ बहुत प्रेशर वाली हवा आती है। एक्सपीरियंस पहाड़ पे चलाने का पेन भी बहुत। ये गाड़ी जो 4x4 वाली होगी उनको तो कुछ जाने
यही फायदा हुआ अपने लोगों को, सुने भी अभी ले लिए होते इको दिक्कत आ जाती। तो फाइनली हम लोग मनाली पहुंच गए, इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग मनाली पहुंचे हैं। रुक के गाड़ी हम लोग ने यहाँ पे पार्क कर दी, होटल अपना यहाँ पे है। बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग मनाली का टूर करेंगे। सबको जय श्री राम।